अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको जो बताए थे वेरिएबल्स बताए थे कि अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सारी वेरिएबल्स जो थी वो पॉजिटिव थी, प्लस में दे रखी थी। अगर हमें माइनस में दे रखी है वेरिएबल की वैल्यू तो हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, अब हम वो देखेंगे। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें एक्स की वैल्यू दी गई है -3। क्या दी गई है? -3। तो हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर लिखेंगे -3। ओके, -3 ही नोट करेंगे, +5 = 8। ओके, अब -5 + 5, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 गए तो कितने करेंगे, कितने बचे हमारे पास, हम 3 में से 5 तो माइनस कर नहीं सकते, इसलिए हम 5 में से 3 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितने बचे, 2। ओके, हम 2 नोट करेंगे। अब हम क्या देखते हैं, साइन कौन सा लगाना है हमें, जब हमने प्लस माइनस करा है तो हम साइन कौन सा लगाएंगे, जो हमारा बड़ा वाला डिजिट होता है, यहाँ पर क्या था 5 के आगे, या फिर जो भी बड़ा वाला डिजिट है उसके आगे जो साइन होता है हम वही वाला साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर 5 से पहले क्या था, प्लस, 3 से पहले था 1, इनमें से बड़ा डिजिट कौन सा है, 5, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 5 प्लस, क्योंकि 5 से पहले क्या था, प्लस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में लिखेंगे हम, प्लस में, = 8। ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसी टाइप से एक और देखते हैं हम, हमें वाई की वैल्यू गिवन है -5, और 5 - y = 12, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था वेरिएबल की वैल्यू गिवन है हमें -5, तो 5 एज इट इज़ नोट करेंगे, माइनस एज इट इज़ नोट करेंगे, अब इसमें हम ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे। ओके, अब -5, वाई की वैल्यू क्या है, -5 = 0 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5 एज इट इज़ नोट करेंगे। अब देखिए हमारे 2, अब हम ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है और एक 5 के साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस = 12। तो कितने हो गए, 5 + 5 = 10, 10 = 12, ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। एक और देख लेते हैं हम एग्जांपल, ये हम इक्वेशन गिवन है। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 एज इट इज नोट करेंगे, +7 की जेड की वैल्यू, जेड क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, तो हम प्लस एज इट इज नोट करेंगे, -3 है तो यहाँ पर -3 नोट कर देंगे जेड के प्लेस पर ब्रैकेट के अंदर। स्टार्टिंग में होता है तो हमें ब्रैकेट की नीड नहीं होती, लेकिन अगर मिड में है तो हमें ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है, -3 = -3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, अब क्या है हमारा, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ओके, -3 = -3, अब क्या होगा, +3 है ये, -3, +3 में से -3 माइनस करेंगे, 3 में से 3 करेंगे तो कैंसिल, ये कट गए, अब हमारे पास क्या बचा, -3, और इधर भी क्या था, -3, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, एक और हम दे रहे हैं जो आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए है जो आपको खुद से सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।